अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त सईद अतीकुर रहमान रामपुर दवाखाना से अत्तारी ब्रदर चैनल पर आप लोग एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे और लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे पहले मैं इस टॉपिक पर लगभग साल भर पहले एक वीडियो डाल चुका हूं, आज उसी के ताल्लुक साल भर पहले कैसे एक लड़के का मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि एक लड़के का मेरे पास मैसेज आता है या गालिबन फ़ोन आया था, मुझे थोड़ा सा ध्यान पे नहीं है। उसने मुझसे अपनी माँ के ताल्लुक से कहा था कि सर मेरी माँ ऐसे ऐसे ब्लॉकेज है, उनकी हार्ट ब्लॉकेज हो गई है। वीडियो देख लीजिएगा, हार्ट ब्लॉकेज के टॉपिक पर है वो, और ऐसे ऐसे उनको प्रॉब्लम है और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनका इलाज करा सकें और शुगर जो है उनकी बहुत ज़्यादा हाई है। एक जगह हमने बात भी करी थी तो पैसों का इंतज़ाम अब जैसे तैसे मैं करता, उन्होंने अपनी पूरी मुझे अपनी मजबूरी बताई थी, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी उनका ऑपरेशन नहीं किया क्योंकि उनकी शुगर जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। तब मैंने ये एक नुस्खा है अरबिया, जो कि मैं पहले वीडियोस की डाल चुका हूँ, उसके अंदर बनाने का तरीका भी मैंने बताया था कि कैसे कैसे आपने बनाना है, क्या क्या लेनी है, लहसुन अदरक और गिंजर गार्लिक वगैरह, उसमें काफ़ी चीज़ें थी, शहद 4-5 आइटम थे उसका बना रहा था। और उसका नतीजा इतना अच्छा रिजल्ट मिला लोगों को, इतना अच्छा मिला, खास करके वो लड़के की माँ का तो बहुत अच्छा मुझे उसने मुझे ख़त भेजा था उसने, ठीक है। उस टाइम मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया था, बाद में मेरे पास ख़त आया उसका कि उसने बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया बोला था, उसने मुझसे बोला था मुझसे मुलाकात करूँगा, खैर मुलाकात नहीं हो पाई। और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने ये कहते हैं कि सर हम फला जगह फला हॉस्पिटल में गए थे और उन्होंने हमसे बोला था कि भाई ठीक है भाई आपको ऑपरेशन कर देंगे शुगर, लेकिन आपकी लेवल हाई है और लिहाजा अभी रुक जाइए, शुगर लेवल डाउन करेंगे उसके बाद हम आपको ऑपरेशन कर देंगे। मतलब कोई चारा ही नहीं था, उन्होंने फिर इस नुस्खा अरबिया को इस्तेमाल किया। बहुत से लोग ऐसे थे जो बना नहीं पाए थे, तो मैंने उस टाइम एक सफ़ा कंपनी का हनी एलेक्सर, उस टाइम इसकी पैकिंग अब बदल गई है, पहले पैकिंग इसकी दूसरी थी, सफ़ा हनी एलेक्सर, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप सफ़ा हनी एलेक्सर, मैंने ऑनलाइन उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया था उन लोगों को। और तो मतलब यह है कि उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब हार्ट ब्लॉकेज पे तो बहुत ही बढ़िया, मतलब 100% काम करता है ये फार्मूला। क्या क्या है, इससे पहले मेरी एक साल पहले की वीडियो है वो देख सकते हैं, मैं उसमें ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा और इसके ताल्लुक से ही बताने वाला हूँ कि एक तो इसकी पैकिंग, बहुत से लोग मुझसे बोले सर पहले जो सफ़ा की बॉटल आ रही थी वो अभी चेंज आई है और पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि सफ़ा की बॉटल का जो है पैकिंग चेंज हो गई है थोड़ा सा, बाकी कंपनी वही है, आइटम वही है, सब बिल्कुल बढ़िया परफेक्टली चीज़ आ रहा है, समझ गए। इसके अलावा भी ये हार्ट ब्लॉकेज, जैसे मैं अब थोड़ी सी और आपको वजाहत कर दूँ, नए मेरे व्यूवर्स हैं जो नए पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो उनके बारे में, इसके बारे में वजाहत कर दूँ, उनको ये बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खास करके हार्ट ब्लॉकेज की अगर शिकायत है बहुत ज़्यादा, समझ गया, और डॉक्टर ने ऑपरेशन ही बोला है, तो इंशाल्लाह आप 7 हफ्ते 7 वीक इसको रेगुलर इस्तेमाल करा दीजिए, इंशाल्लाह ब्लॉकेज अल्लाह ने चाहा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। बनाना चाहते हैं नुस्खा तो मेरी वीडियो एक साल की हार्ट ब्लॉकेज के टॉपिक पे पड़ी हुई है, उसको देखकर बना भी सकते हैं, ठीक है, अगर किसी के पास समय है और बना सकता है तो बना भी सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग हमसे बोलते हैं कि सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज रहती है बहुत ज़्यादा, ऑफिस वर्क है पूरे दिन, कुछ चूर्ण वूर्ण फाँक लो तो मतलब ये है कि पेट साफ़ हो जाता है, वरना भैया मामला जो है बिल्कुल टाइट है, फिश रहता है, तो इसके लिए क्या करें। तब उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन के मतलब आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको पहुँचाएगा। इसके अलावा बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि सर ब्लड शुगर हमें है तो हम इसको कैसे लें, तो ब्लड शुगर वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, मतलब ब्लड शुगर को इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कंट्रोल कर देगा, उसके अलावा आपकी जो हार्ट के प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी, शुगर वालों को भी ये फ़ायदा करता है, तो ब्लड शुगर वाले पेशेंट इसको ले सकते हैं, अगर उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, स्टोमच की प्रॉब्लम है तब भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, शुगर भी है तब भी ले सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से लोगों ने ये कहा कि सर हमारा फैट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, फैट बर्न नहीं हो रहा है, हमारा पेट जो है बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये फार्मूला बहुत ही अच्छा काम करता है, ये नुस्खा अरबिया जो मेरे हाथ में आप सफ़ा की बॉटल देख रहे हैं, हनी एलेक्सर के नाम से ही आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हनी एलेक्सर का आप वहाँ से ले भी सकते हैं, बाकी आप इसको बनाकर यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और थी बड़ी अच्छी कि इसमें चार चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, स्टमच की हो गई आपकी प्रॉब्लम दूर कर देगा, दूसरा आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो हैगी प्रॉब्लम वो भी दूर कर देगा इंशाल्लाह, ब्लड शुगर है, आपका वेट लॉस, वेट अगर आपको लॉस करना है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अब इसके अंदर अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला है क्या क्या हमारा, इसमें देखिए सबसे पहले तो नेचुरल हनी है आपका, एप्पल विनेगर है आपका, सेब का सिरका है, जिंजर है, गार्लिक है, लहसुन है, अदरक है और आपका लेमन यानी कि नींबू का रस, ठीक है। बहुत से लोग, मैंने बताया था कि बहुत से लोग इसके अंदर
खास करके मैंने उसको उससे बोला, उन्होंने कि सर हम इसमें अर्जुन का, अर्जुन की छाल के मतलब रस डाल सकते हैं, अर्जुन की छाल का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों ने कहा सर इसको लेना कैसे है, लेने में बहुत से लोग मतलब ये कि थोड़ा गलती कर जाते हैं तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, तो लेना इसको ऐसे है, आपको इसको देखिए नॉर्मली हम खास करके जो यूज़ करवाते हैं खाली पेट यूज़ करवाते हैं, यानी कि 2 से 3 टेबल स्पून, 3 मतलब 2 से 3 चम्मच, 3 बड़े चम्मच सुबह को निहार मुँह और रात के खाने से कम 1 या 2 घंटा पहले, तो ये खाली पेट का टाइम होता है, इस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एसिड ज़्यादा बनता है और उनको जैसे पथरी वगैरह की अगर शिकायत है, तो खाना खाने के 1 घंटे या 2 घंटे बाद भी इसको ले सकते हैं, समझ गए। तो ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है और मेरे हिसाब से अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज है और ऐसी कोई परेशानी, हार्ट से संबंधित कोई सी भी शिकायत है, बीपी अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो उसमें भी बहुत इसको अच्छी तरीके से आप बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, फ़िलहाल इसको इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, इंशाल्लाह आप इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।